नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के वीकली एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अभी डेटा और प्राइस एक्शन के बाद बेसिस पे हम देखेंगे कि मार्केट में अगला मोमेंटम कहां पर आने वाला है, प्राइस टू बुक वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, जिससे कि सारा एक मार्केट का अनुमान निकल के आ जाएगा कि मार्केट कहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों चलिए हम फटाफट डेटा देख लेते हैं कि डेटा हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है और बड़े प्लेयर की क्या एक्टिविटी हुई है। तो अगर बात करें यहाँ पर क्लाइंट की, तो देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्लाइंट ने थोड़ा सा लॉन्ग किया है, ज्यादा शॉर्ट पोजिशन किया है। ओवरऑल इनका बिल्कुल इक्वल हो गया है लॉन्ग और शॉर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,86,000, 1,85,000 बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल हो गए ओवरऑल, लेकिन शॉर्ट इनका पोजिशन ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी ये अभी बिल्कुल मार्केट में आना प्रॉफिट तो बुक मत कहिए, लेकिन ये शॉर्ट पोजिशन क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ पे जीरो इनका हो गया है, इक्वल न्यूट्रल हो गया है। ऑप्शन में इन्होंने क्या है, कॉल की भी राइटिंग की है और पुट की भी राइटिंग की है, लेकिन पुट की राइटिंग इन्होंने ज्यादा की है। आप देख सकते हैं कि 1,94,000 इनके पास पुट की राइटिंग, 2,30,000 यहाँ पे कॉल की राइटिंग है। तो फ्रेश इन्होंने पुट की राइटिंग ज्यादा की है, यूजुअल कॉल की राइटिंग इनके पास पड़ा हुआ है। तो यही अभी कुछ क्लाइंट को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ क्लाइंट को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, दोनों मिक्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.6% जो है वो कॉल की राइटिंग है, पुट की राइटिंग 4.9% ही है। यानी डेटा यहाँ पे बिल्कुल मिक्सअप है हमारे क्लाइंट्स का। अब बात करते हैं यहाँ पे FII का। FII यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन क्लोज कर दिए हैं, 8,000 कॉन्टैक्ट्स थोड़ा सा लॉन्ग इनिशिएट किए हैं, ये मार्केट को थोड़ा और ऊपर रखना चाहते हैं जो इनका लॉस हुआ है वो क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे ऑप्शंस में भी इन्होंने दोनों तरफ 51,000 कॉन्टैक्ट्स जो है लॉन्ग और कॉल में, और जो है 88,000 कॉन्टैक्ट्स जो है पुट में भी लॉन्ग किया है। 4,43,000 पुट की बाइंग है, 2,48,000 कॉल की बाइंग है। तो ये डेटा यहाँ पे भी इनका लगभग 28,000 ही कॉन्टैक्ट्स रह गया अब शॉर्ट में, ये बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट अपना पोजिशन क्लोज कर रहे हैं, लेकिन जो है ऑप्शंस में इनके पास पुट की बाइंग ज्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पे स्लाइटली वो बेयरिश है। यहाँ पे दोस्तों प्रो की बात करें तो प्रो बिल्कुल यहाँ पे देखिए न्यूट्रल हो गए हैं इनका ऑप्शंस में, बिल्कुल सॉरी फ्यूचर में कोई पोजीशन नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। और ऑप्शन में इन्होंने आज जो है वो कॉल में बिल्कुल पोजिशन नहीं बनाया है, 14,000 कॉन्टैक्ट सिर्फ कॉल की राइटिंग किया था। पुट में जो भी इनकी राइटिंग थी वो पोजिशन क्लोज कर ली है लगभग 1,89,000, कोई फ्रेश पोजिशन बना के नहीं गए अभी भी। 1,77,000 पोजीशन यहाँ पे है, स्लाइटली बुलिश है यहाँ पे ये, लेकिन कोई फ्रेश पोजीशन यहाँ पे इनका नहीं बना हुआ है। और DII की बात करें तो DII यहाँ पे मात्र 24,000 ही कॉन्ट्रैक्ट इनका रह गया है लॉन्ग। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट 12,000 इनिशिएट कर दिया, फ्रेश लॉन्ग तो क्लोज नहीं किए, थोड़ा सा क्लोज किए लेकिन शॉर्ट इनिशिएट किए। तो ये अगले मंथ का शॉर्टिंग है दोस्तों, ये अभी स्लाइटली बुलिश है यहाँ पे। यानी डेटा में कोई बहुत जो है ज्यादा सजेशन नहीं दे रहा है अपसाइड का, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए मार्केट और ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। 17,850 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, 6,00,000 लगभग पुट साइड, 4,82,000 कॉल साइड भी पोजीशन बना हुआ है। और बिग बेयर देखिए यहाँ पे अगले एक्सपायरी जो 20 का है, यहाँ पे जो है वो आपको पुट की राइटिंग थोड़ा सा 17,800 के पास हुआ है, 17,800 के पास थोड़ा सा यहाँ पे पुट की राइटिंग हुई है, लेकिन मैक्सिमम कॉल की राइटिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि 18,300 18,000 के पास हुआ है, और 17,800 पे भी थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे है। तो ये डेटा भी मिक्सअप का है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें बुलिशनेस की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पुट राइटर स्ट्रॉन्ग रहे हैं, पुट राइटर जो है वो आपको थर्सडे के दिन स्ट्रॉन्ग रहे थे, ये हमें डेटा इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। अगर आप बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी भी हम स्लाइटली देख लेते हैं कि क्या इंडिकेशन हमें बैंक निफ्टी कर रहा है, जिससे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक जो है कंफर्म इंडिकेशन मिल जाता है डेटा के बेसिस पे। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रैक नहीं करते हैं तो फिर अगर फ्राइडे को देखें, थर्सडे को माफ करिएगा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश था, हमने मैसेज भी किया था। तो 42,000 के पास अगर देखें एक्टिविटी, तो 42,000 पे यहाँ पे जो 50,000 कॉन्टैक्ट्स, बाकी ये सारे पोजिशन आपको फ्रेश बनाए गए हैं और ये क्लोज नहीं हुए हैं। इन द मनी कॉल साइड थोड़ा सा पोजिशन क्लोज है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे पोजिशन 43,000 के पास बना है, जो स्ट्रॉन्ग पोजिशन 43,000 के पास बना है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है कि 1.45 यहाँ पे जो है इसका PCR भी आ गया, बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। 42,300 42,400 से एक बार रिवर्सल आ सकता है, मैक्सिमम 42,300 जा सकता है बैंक निफ्टी दोस्तों, उससे लगभग थोड़ा सा रिवर्सल आएगा। अब अगर बात करें यहाँ पे प्राइस एक्शन का, तो ये देखें निफ्टी का लेवल है, यहाँ पे निफ्टी बिल्कुल घूमता रहा, लॉन्ग होना है हमें आपको 17,780 तक लॉन्ग रहना है, और पहला टारगेट 17,900 हो सकता है, 17,970 तक हो सकता है ऊपर का। शॉर्ट होइए आप 17,730 के नीचे, टारगेट 17,660 का और 17,580 का, ये टारगेट रहेगा हमारा आपको निफ्टी का। और वीकली में थोड़ा सा निफ्टी यहाँ पे बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है,
तो मैक्सिमम टारगेट आपको 900 जा सकता है दोस्तों। सेम बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी में प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा अच्छा हो गया और हमारा वीवीएफ भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, वीवीएफ 41,800 के पास आ रहा है, थोड़ा सा एक बार बैंक निफ्टी को आना चाहिए 42,000 के पास या 41,900 तक। तो आप लॉन्ग रहिए 42,000 तक, 42,000 के नीचे जैसे ब्रेक होता है शॉर्ट हो जाइए, और 41,800 पहला टारगेट फ्रेश शॉर्ट 41,800 के नीचे होइए, टारगेट 41,600 और 41,300 हो सकता है, लेकिन आपको 42,000 तक शॉर्ट नहीं होना है दोस्तों, फ्रेश शॉर्ट 41,800 तक होना है। आप अगर आप लॉन्ग किए हैं तो 42,000 तक वेट करिए, ऊपर का टारगेट 42,500, 400 और 42,700 हो सकता है ऊपर में। FII की बात करें बैंक निफ्टी में, यहाँ पर देखें थोड़ा सा यहाँ मुझे 42,400-300 तक एक बार दिखाई दे रहा है, FII ने यहाँ पर लगभग बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी 4.17 आ गया है, यानी न्यूट्रल में आ गया है। अभी बैंक निफ्टी का भी 2.73 आ गया है, डेटा आपको यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। और ये सब सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं, आप यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, फुल ऑप्शन चेन का दोस्तों यहाँ पे क्लासेस अभी चलते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम चार्ज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्लियर ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर लीजिए सलाह, उन्हीं के सलाह पर बाय सेल करके। मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।